नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानहानि की, डिफेमेशन की। मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डाबरा लीगल। तो आज हम बात करेंगे कि मानहानि का केस कैसे करें, यानी कि कोई अगर आपके खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाता है तो आप मानहानि का केस कैसे कर सकते हैं, उसके खिलाफ कहाँ पे केस कर सकते हैं, कितनी सज़ा दिला सकते हैं, कैसे कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी हम डिस्कस करेंगे कि किन किन कंडीशंस को मानहानि में कंसीडर किया जा सकता है और अगर आप पे मानहानि का केस हो जाता है तो आप कैसे बच सकते हैं, आप कैसे अपने केस को कोर्ट में लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानहानि होती क्या है। मानहानि होती है किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पादन समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र की प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने वाला असत्य कथन मानहानि कहलाता है। यानी कि कोई भी झूठा कथन किसी के प्रति कहा गया हो और किसी थर्ड पर्सन से कहा गया हो तो वो सभी जो है मानहानि में कंसीडर होगा। अगर कोई आपकी इमेज को ख़राब करता है या आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है तो आप उसमें जो है मानहानि का केस कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, भारत में जो है किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना जो है एक अपराध है। इसमें आप सिविल सूट और क्या नाम है क्रिमिनल सूट दोनों की प्रोसीडिंग के लिए जा सकते हैं। इसमें आप मुआवजे के लिए यानी कि कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं या उसको जो है सज़ा दिलाने के लिए भी आप अपना केस कर सकते हैं। बेसिकली मानहानि जो है दो प्रकार के होते हैं, अभियोग पत्र यानी कि लिबेल और दूसरा सरेंडर यानी कि बदनामी। अब हम बात करते हैं लिबेल और सरेंडर के बारे में। लिबेल जो है यह स्थायी रूपों में किसी झूठे स्टेटमेंट के माध्यम से किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी ने लिख दिया, अपनी सोशल मीडिया पर लिख दिया या आपके खिलाफ किसी न्यूज़पेपर में कोई झूठी एडवर्टाइजमेंट दे दी, तो ये या फिर कोई ऐसी तस्वीर आपकी छाप दी जिससे आपको मानहानि हो रही है तो वो जो है लिबेल में आएगी यानी कि अभियोग पत्र में आएगी। और दूसरा जो टाइप होता है मानहानि का वो होता है सिलेंडर। यह बोले गए शब्द या इशारों के माध्यम से मानहानि को दर्शाता है। इसमें इशारों की भाषा और आप यानी कि जो वर्ड्स को यूज किया गया वो आपकी तरफ हो और आपको जो है मानहानि कर रहा हो, तो इसमें जो है यानी कि डायरेक्टली कुछ लिखा नहीं गया है लेकिन आपके प्रति बोला गया है तो वो जो है मानहानि में कंसीडर होगा। अब हम बात करते हैं मानहानि के उपाय और दंड क्या है। मानहानि का दंड है कि ये जो है अंडर आईपीसी 499 सेक्शन में तो मानहानि को कंसीडर किया गया है कि कौन कौन सी कंडीशन में मानहानि माना जाएगा, और आईपीसी की धारा 500 के तहत आप सज़ा दिला सकते हैं। जो सज़ा का प्रावधान है वो मैक्सिमम 2 साल तक का प्रावधान है लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है। और आईपीसी की धारा 499 में मानहानि के बारे में बताया गया कि किस किस कंडीशन में आप मानहानि कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पहले ही स्टेटमेंट में पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा कि मानहानि होती क्या है। मानहानि होती है कि जब आपकी प्रतिष्ठा को यानी कि आपकी इमेज को या आपको कुछ फाइनेंशियली लॉस पहुंचाया गया हो और वो जो है आपके बारे में झूठा बोला गया हो या तो सोशल मीडिया पे टाइप किया होगा, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत यूज बढ़ रहा है तो लोग बाग सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कुछ भी लिख देते हैं, अगर वो झूठा है तो आप उस केस में मानहानि का केस बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसमें कंपनसेशन मांग सकते हैं या सज़ा के लिए भी आप वहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब होता है, अब बात आती है कि आप केस करें कैसे। सपोज करो कि आपके खिलाफ किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ झूठा आर्टिकल डाल दिया है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं उसकी या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके उसके खिलाफ एप्लीकेशन लगा सकते हैं सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए। बट ये आपको साबित करना होगा कि जो शब्द आपके लिए कहे गए हैं वो झूठे हैं और वो आपके लिए कहे गए हैं, तो ये आपके यानी कि एविडेंस ऑफ प्रूफ जो है आपके ऊपर रहेगा कि आप ये प्रूव कर सकें कि जो आपके ऊपर लंछन लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, और तभी आप केवल दूसरे व्यक्ति को सज़ा दिला सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि सज़ा मिलेगी या कंपनसेशन मिलेगा। तो इसकी प्रतिक्रिया सबसे पहले कि जब आपके खिलाफ किसी ने कोई स्टेटमेंट दिए तो आप सबसे पहले उसे लीगल नोटिस भेजें, उसमें आप कंपनसेशन मांगे और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहे। अगर वो इन सब दोनों चीज़ से मुकर जाता है तो आप जो है अपनी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में जाके अपनी एप्लीकेशन लगाइए, उसके बाद आपकी प्रोसीडिंग होगी। आपको ये प्रूव करना होगा कि जो आपके खिलाफ बोला गया है वो झूठ है और इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है यानी कि आपकी इमेज ख़राब हुई है, तो आप जो है मानहानि का केस उस पर कर सकते हैं। अब बात आती है कि किस किस कंडीशन में मानहानि होगी। सपोज करो कि एक बंदे मेरे घर में चोरी हुई है और मेरे को शक है अपने पड़ोसी पे और उसको मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ भाई तूने मेरे घर में चोरी की है, तो इस कंडीशन में क्या वो मेरे खिलाफ मानहानि का केस कर सकता है।
तो वो इस कंडीशन में मेरे खिलाफ मानहानि का केस नहीं कर सकता, चाहे उसने चोरी की है या नहीं की है, मैंने शक के तौर पे उससे डायरेक्टली पूछा है। बट अगर हाँ, जैसे कि मेरे घर में चोरी हुई है और मैं तीसरे लोग जो मेरा पड़ोसी है उसकी फोटो सोशल मीडिया पे डाल दूँ बिना सत्य जाने, बिना एविडेंस के कि उसने चोरी की है, और मैं सोशल मीडिया पे लिखने लगूँ कि मेरे पड़ोस में जो फलाना व्यक्ति रहता है इसका नाम ये है, ये इस घर में रहता है और ये चोर है जिसने हमारे घर में चोरी की है, तो इस कंडीशन में जो है, अगर उसने चोरी नहीं किया है तो इस कंडीशन में क्या है कि वो मेरे खिलाफ मानहानि का केस कर सकता है, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा सकता है, कोर्ट जा सकता है, कोर्ट में जाने के बाद मेरे खिलाफ वो कंपनसेशन मांग सकता है या मुझे मेरे खिलाफ वो सजा के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। तो क्या है कि जब जैसे ही कोई झूठी स्टेटमेंट दी तो तब मानहानि का केस हो सकता है। दूसरा, सपोज करो कि कोई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को कंपनी ने निकाल दिया और मेरे खिलाफ जो है एक मेल सर्कुलेट कर दिया कंपनी में कि इस एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया है ड्यू टू रेगुलर एब्सेंटिज्म, तो क्या इससे मेरी इमेज खराब हुई है, क्या मैं इस कंडीशन में कंपनी में कंपनसेशन मांग सकता हूँ? तो इस कंडीशन में आप कंपनी से बिल्कुल भी कंपनसेशन नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का प्रोसेस है और आपको फायर किया गया है एक फैक्ट के अकॉर्डिंग, और ये कंपनी का इंटरनल प्रोसेस है कि अगर आप एबसेंट होंगे ज़्यादा तो आपको कंपनी फायर कर सकती है। ये आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट भी किया था अपॉइंटमेंट के टाइम पे, और कंपनी ने इसको जो है सोशल मीडिया पे पब्लिश नहीं किया है, लिंक्डइन पे नहीं डाला है जिससे कि आपको इमेज को ठेस पहुँचे। इंटरनली उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर सर्कुलेट किया है ताकि और एम्प्लॉई ज़्यादा छुट्टी ना मारे। तो इस कंडीशन में आप कंपनी पे कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते। पर हाँ, सपोज करो कि आपको कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया ड्यू टू एब्सेंटिज्म और कंपनी मेल रेगुलेट कर रही है, सर्कुलेट कर रही है अपने इंटरनली ही कर रही है भले ही, कि आपको जो है इंटीग्रिटी की वजह से फायर किया गया है, यानी कि आपके ऊपर चोरी का इंजाम लगाया गया है, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल कंपनी पे कंपनसेशन मांग सकते हैं। क्योंकि उस इस कंडीशन में आपने आप पर जो क्लेम किया गया है कंपनी की तरफ से वो झूठा है, यानी कि आपकी इमेज को ख़राब किया गया है। आपको कंपनी टर्मिनेट तो कराया ड्यू टू एब्सेंटिज्म, बट वो क्लेम कर रही है कि आपको जो है चोरी की वजह से, इंटीग्रिटी की वजह से फायर किया गया, तो इस कंडीशन में आप कंपनी से बिल्कुल कंपनसेशन मांगते हैं। तीसरी कंडीशन आती है, सपोज करो कि डोमेस्टिक वायलेंस है या 498 का केस है दहेज का, तो अगर आपकी पत्नी आप पर झूठा केस लगाती है 498 का और आप कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि आप पे जो केस लगाया गया 498 का वो झूठा है, तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल अपनी पत्नी के खिलाफ मानहानि का केस कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल थे किस किन कंडीशन में मानहानि का केस हो सकता है। अब बात आती है कि अगर आप पे मानहानि का केस हो जाता है तो आप कैसे बच सकते हैं। तो आप दो ही कंडीशन में बच सकते हैं कि एक तो आपके पास विशेष अधिकार होना चाहिए कि जो आपने स्टेटमेंट दी है वो आपके पास विशेष अधिकार है, लाइक कि संसदीय कार्यवाही हो या राज्य संचार में से रिलेटेड हो तो ही आप बच सकते हैं, या फिर आपने जो स्टेटमेंट दी है वो फैक्ट है, यानी कि आपने किसी को बोला है कि ये चोर है, इसने चोरी किया, तो आपके पास उसके एविडेंस होने चाहिए ताकि आप और लोगों ताकि आप ये बता सकें कि जो स्टेटमेंट आप एक आप दे रहे हैं कि ये XYZ जो व्यक्ति है ये हमारे पड़ोस में रहता है, चोर है, इससे क्या है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस लोग से सचेत रहें, इस बंदे को अपने घर में ना आने दें। क्यों? क्योंकि इसने चोरी की, आपके पास एविडेंस है, तो इस कंडीशन में आप बच सकते हैं। और अगर आप पे केस हो गया मानहानि का तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप एक अच्छे एडवोकेट से कॉन्टैक्ट करें। क्यों? क्योंकि जो वकील है वही आपको आपका प्रतिनिधि कर सकता है कोर्ट में, आपको सजा से बचा सकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, किसी वकील से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपके खिलाफ मानहानि का केस प्रूफ हो गया तो आपको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है, आप पे कंपनसेशन भी हो सकता है, या आपको सजा और कंपनसेशन दोनों ही आप पे लग सकता है। और कंपनसेशन कितना लग सकता है आपको नहीं पता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, हो सकता है 10 रुपये हो, 10 लाख हो या 10 करोड़ भी हो सकता है। तो बेटर है कि आप पे अगर मानहानि का केस होता है तो आप किसी अच्छे वकील से कॉन्टैक्ट करें कि आप कैसे बच सकते हैं इस केस में, ताकि आपको वो अच्छे से कोर्ट में प्रेजेंट कर सके और ये प्रूव कर सके कि जो आपने स्टेटमेंट दी है वो सत्य था, आपने किसी की प्रतिष्ठा को कोई ठेस नहीं पहुंचाई है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी प्रकार की लीगल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे।